मध्य प्रदेश के सिंगरौली एनटीपीसी विंध्यनगर का एस डैम टूट गया है। इससे जहां कई मवेशी बह गए हैं, वहीं आसपास रहने वाले लोगों के घरों में राखड़ युक्त मलबा घुसने लगा है, जिससे वहां के निवासियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। डर के मारे लोग परेशान होकर इधर उधर भाग रहे हैं। सूचना मिलते ही हरकत में आए प्रशासन ने तुरंत ही बचाव कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें एनटीपीसी के अधिकारियों सहित जिले के प्रशासनिक अमला भी बचाव और राहत कार्य में जुट गए हैं। इस घटना से इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि अभी पिछले महीने सिंगरौली में एसआर पावर प्रोजेक्ट का राख बांध टूट गया था, जिसमें भारी तबाही मची थी, जिसके जांच के लिए एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट को ऑन रिकॉर्ड दिया था। अधिवक्ता अश्वनी दुबे के शिकायत पर एक टीम सिंगरौली पहुंची थी। अभी वह मामला चल ही रहा था तब तक एनटीपीसी विंध्यनगर का एश डैम टूट गया। यहाँ बंधा बताया जा रहा है कि बंधा टूट गया। हम लोग अभी छुट्टी करके घर चले गए थे और हम लोगों का पंप हाउस में गाड़ी पूरे हार्ड्रा ट्रैक्टर पूरा मटेरियल सामान सब वहीं है, वो डूबने वाला है और हम लोग अंदर जाके अपने सामान की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उसमें पानी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से गेट पे हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सीएसएम के द्वारा बोला जा रहा है कि एनटीपीसी वालों ने मना किया है कि कोई अंदर नहीं जाएगा, खतरा होगा। Thank you.